जब हमसे कम संख्या वालों को आठवीं अनुसूची में जगह मिल सकता है, स्थान मिल सकता है, तो हम तो संख्या बल में भी है हमारे पास में, हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है कि हम उस स्थान से आते हैं जो 320 करोड़ वर्ष पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी सिंभूम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। हम लोग बस ये अपनी पहचान की हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी आप हमारी भाषा को सरकार को, केंद्र की सरकार को आठवीं अनुसूची में शामिल करना होगा। सात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गीता कोरा हैं और आज जंतर मंतर पर आई हैं। इन्होंने आठवीं अनुसूची में जो हो भाषा उसकी मांग कर रही हैं। मन से इन्होंने कहा कि जाति जनगणना भी होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, मधु कोरा को आप सब जानते हैं, इस देश में आदिवासी पिछड़े दलितों को किस तरह से फंसा दिया जाता है। मधु कोरा मुख्यमंत्री रहे झारखंड के और वो भी राजनीति के शिकार हुए हैं और वो लीगल फेस कर रहे हैं, भारत के संवैधानिक प्रावधानों को फेस कर रहे हैं। गीता कोरा है, वो अब सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैम, क्या लगता है सरकार मांगेगी आपकी डिमांड? बिल्कुल मानना चाहिए। जब हमसे कम संख्या वालों को आठवीं अनुसूची में जगह मिल सकता है, स्थान मिल सकता है, तो हम तो संख्या बल में भी है हमारे पास में, हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है जो बहुत ही रिच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस स्थान से आते हैं जो 320 करोड़ वर्ष पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी सिंभूम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। हम लोग बस ये अपनी पहचान की हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी हो लैंग्वेज को कितने रूप से हमारी भाषा को सरकार को, केंद्र की सरकार को आठवीं अनुसूची में शामिल करना होगा। कितने लोग अभी हो भाषा बोल रहे हैं? कई लोग बोल रहे हैं। जब हम लोग 40 लाख लोगों की बात करते हैं तो 40 लाख लोग बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे झारखंड में इस भाषा की पढ़ाई हो रही है, उड़ीसा में पढ़ाई हो रही है। तो कई झारखंड सरकार ने सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा भी दिया। 2011 में झारखंड सरकार ने सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया। सामाजिक बदलाव कितना आया मैम? क्या जो इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश के जल जंगल का मालिक है, उसकी भागीदारी कितनी बड़ी है मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में? बहुत बड़ी है। आज हमारे जुडिशियरी सेक्शन में अगर हम लोग देख ले तो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है अभी उड़ीसा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन आप क्या जो लोअर कोर्ट है उसको आप कम मांगते हैं? वहाँ पर भी हमारे लोग हैं, कई सारे हमारे कम्युनिटी के जज हैं जो आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे झारखंड में हो, उड़ीसा में हो। इसके अलावे ब्यूरोक्रेट्स में भी हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, चाहे वो स्टेट लेवल में हो या फिर सेंट्रल लेवल में हो, हमारे बहुत सारे लोग हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में भी हमारे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना इतिहास, अपना साहित्य लिखा है, चाहे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या फिर झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में हो। तो बहुत कर्मा धर्म को लेकर भी लोग कह रहे थे कि उनके लिए एक अलग से कोड हो, उस सरकार कोशिश करे कि आप सब हिंदू में गिने जाए, जबकि आदिवासी समाज की लंबे समय से डिमांड है कि उनका अपना कोड बिल हो। बिल्कुल, हम लोग शुरू से ये मांग करते आए हैं, जितने भी हम लोग के आदिवासी हैं भारतवर्ष में, जो भी आदिवासी हैं, और हमने इसको खुद इस बार लोकसभा में उठाया था पिछले दिनों कि हम आदिवासियों को अलग कोड दिया जाए, अलग सरना कोड दिया जाए, ताकि उनकी जनगणना सही से हो सके। जाति जनगणना को लेकर क्या रहा है? क्या आदिवासी समाज में एक समझ बनी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, तभी पहचान में आएगा और ये कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद करेगा सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए। आप कैसे देख रहे हैं, आज भी मात्र एक चीफ मिनिस्टर आदिवासी हैं और रिजर्व सीट से अलावा ज़्यादा आदिवासी अभी भी चुन के नहीं आ रहे हैं। जो रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, उससे आगे मामला नहीं बढ़ा है, जनरल सीटों से वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, ये मैं इसको पूर्ण रूप से आपसे सहमत नहीं हूँ। आज हमारे आदिवासियों की चाहे राजनीतिक दखल अंदाजी हो, हमारे लोग कई ऐसे जगह है जहाँ से जीत करके आए हैं। अगर आप छोटे क्षेत्रों में बात करें, चाहे वो कमिश्नरी की हो, पंचायत चुनाव की हो, या फिर MLMP जो रिजर्व सीट है वो वहीं से वो जीत के आते हैं, लेकिन आप उनकी भागीदारी को या उनके जो सवाल आप खड़ा नहीं कर। नहीं नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि रिजर्व सीट से वो चुनाव जीत रहे हैं लेकिन जितनी संख्या है उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उनको जनरल सीटों से। नहीं, तो इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि जनगणना में हमारा अलग कॉलम हो, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं।
मेरा वही है कि एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट के अलावा उनकी संख्या जनरल सीटों पर नहीं बढ़ रही है। देखिए जनगणना हो तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल रूप से भी हम लोगों को और ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, और इसलिए हम लोग जनगणना में अलग कॉलम की हम लोग मांग। आपके लिए आपकी समझ से आदिवासी समाज की संख्या लगभग कितनी मानी जाए? अभी तो जाति जनगणना तो सरकार करा नहीं रही है। मैं सिर्फ हो की बात कर रही हूँ, जो हो कम्युनिटी ड्राइव है वो फिलहाल जो 2011 का ही है उसमें करीब ऑलमोस्ट 40 लाख जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा है क्योंकि हमारे लोग आज भी जाड़ जंगल में रहते हैं जिनकी जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हम लोग ये आह्वान भी कर रहे हैं कि जो इस बार का सेंसेक्स हो उसमें सभी लोग अपनी जनगणना में अपना नाम सम्मिलित करवाएं। एजुकेशनल रीच कितनी बड़ी है, साक्षरता कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। जब झारखंड अलग हुआ था उस समय बहुत कम था, लेकिन आज हम लोग कह सकते हैं कि 70-80% हमारी साक्षरता बढ़ी है, जिसमें हमारे हो कम्युनिटी के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या इसमें बढ़ी है एजुकेशन ही है। एक आखिरी सवाल कि जो पावर सेंटर्स हैं जिससे देश की प्लानिंग बनती है, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इसमें कैसे संख्या बढ़े, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए इसके लिए एजुकेशन ही एकमात्र उपाय है। जितने हमारे लोग एजुकेटेड होंगे उतनी हमारी हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी। तो ये गीता कोरा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आज जंतर मंतर पर आई है। इनकी मांग है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही जो इस देश के जो मूल निवासी हैं वो अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक हो रही है। और सोचिए मीडिया को लेकर कितनी ज़्यादा उनके अंदर इस तरह का भाव है, उनको लगता है कि जो टीवी है, अखबार है, जो मीडिया है वो हमारे बारे में निगेटिव कैंपेन ही चलाता है, इसलिए उनको अभी नहीं पता है कि डिजिटल मीडिया, बहुजन मीडिया भी चल रहा है। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और तमाम ऐसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? सर नौमंडी पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से ही आए। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा को भी मान्यता दी जाए, जो कि बहुत पुरानी भाषा है। हमारे समाज उस जमाने में उतनी मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान नहीं दी है। क्या करते हैं आप? जी अभी स्टूडेंट हैं हम। आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई तो छोड़ दिए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? झारखंड से हूँ। तो ये झारखंड के युवा हैं और आदिवासी समाज के युवा हैं जो लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही जो इस देश के मूल निवासी है, जिनको जाति व्यवस्था की वजह से या मनुवाद की वजह से हाशिए से बाहर कर दिया गया था, पढ़ाई लिखाई पावर सेंटर से बाहर कर दिया गया था, वो धीरे धीरे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और उसमें एक बड़ा अधिकार है, सरना कोट की मांग और हो भाषा की मांग, ये दोनों जो है उनकी प्रायोरिटी में है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।